हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग आए हुए हैं दादा देव मंदिर। इससे पहले हम लोग गए हुए थे एयरफोर्स, जहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम था। वहाँ पे सारा कुछ हम लोगों ने देखा, उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद हम घर नहीं आए, उसके बाद हम आए दादा देव मंदिर, जो कि मेरे घर के एकदम बगल में है। और यहाँ पर आने के बाद ना गाइस, मतलब इतना सुकून मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और हम लोग को एक्चुअली वहीं पे शाम हो गया था आते आते, बट उसके बाद भी फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो मंदिर हो ही आते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं। तो और इनका छुट्टी भी था उस दिन, एक्चुअली संडे था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, दर्शन करने के बाद ही घर जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे पीयू कितना इन्जॉय कर रही है। और यहाँ पर इतना शांति रहता है, मीन्स इतना शांति, दिन के टाइम आओ तो बहुत ज़्यादा शांति है, तभी हम लोग शाम में आए तो इतने लोग हैं, भीड़ रहता है, कुछ फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आप जाके मेडिटेशन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख लोगे, ये तो मेडिटेशन करने लग जाते हैं जैसे यहाँ जाते हैं। हम लोग शांति से बैठ के, मतलब दादा देव मजदूर भगवान है, उनको मैं देख रही थी। मतलब यहाँ पर बोल जाता है कि मान्यता पूरा होता है, जैसे कि देखेंगे आप लोग। हम लोग थोड़ा देर बैठे, देन उसके बाद फिर पूजा वगैरह किया, दादा देव जो भगवान है उनका दर्शन करें हमने। मीन्स यहाँ की एक ना बहुत लंबी स्टोरी है गाइस, बहुत लंबी स्टोरी है, जो कि लोग बोलते हैं कि सही है। और जब मेरी मम्मी यहाँ पे थी, तो ये तो माना हुआ है मेरे साथ कि जो मेरी मम्मी हैं, उन्होंने भी कुछ मान्यता मांगा था, और उनका भी वो चीज़ पूरा हुआ था जब वो यहाँ पर थी, जब मैं छोटी थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहीं, मतलब मेरा छोटा, मेरा बचपन यहीं पर गया दिल्ली में, तो यहाँ पे मेरी मम्मी का भी मान्यता था कुछ, तो वो पूरा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है। और मतलब बहुत सुकून मिलता है गाइस, देख सकते हैं ना कि सुकून मिलना बहुत सुकून मिलता है। फिर अंदर और भी मंदिर हैं, वहाँ पे हम लोग गए, जैसे कि देख ही रहेंगे आपको। तो यहाँ पे शिव जी का उच्चारण चल रहा था, तो फिर हम लोग थोड़ा मंदिर में घूमे, दैन फिर हम लोग भी इस उच्चारण में शामिल हो गए, और फिर हम लोग भी साथ में मिलकर उच्चारण वगैरह करा। आरती होने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लाइक पूजा वगैरह किया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इतना अच्छा सजावट ना, मीन्स यहाँ पे ये डेली इवनिंग में इतना डेकोरेट करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पीहू है ना, सबको देख रही थी कि ऐसे कान में कुछ कह रहे थे, तो पीहू भी कह रही है। क्या बोल रहे हो? दर्शन हो गया, अब हम जा रहे हैं पार्क। अभी कभी घर नहीं जाना? अभी भी घर नहीं जाओगे? हाँ। क्यों, घर नहीं पसंद है? पार्क मुझे जाना है पार्क, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ पार्क। हाँ, तो इनका डेली है पार्क के जाना, एक दिन भी मिस नहीं हो सकता है। रात हो गया, पहले हम लोग गए एयरफोर्स एंड उसके बाद फिर हम लोग मंदिर आए, मंदिर के बाद फिर हम पार्क जाएंगे आई थिंक सो, क्योंकि मान नहीं रही है, देखते हैं क्या होता है। हमारी बाइक कहाँ चली गई? हमारी बाइक उधर पार्किंग में लगी हुई है। नहीं, हमारी बाइक कोई ले गया क्या? पार्किंग लगी हुई है। सो यहाँ पे हम लोग घर आ गए, और यहाँ पे पास के शॉप में हमने लिया ये गुड़ वाली पट्टी। पता नहीं क्यों मुझे ये आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खाती हूँ मीठा गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। प्लीज़ अगर कुछ आपके पास आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं मीठा ना खाऊँ, क्योंकि मैं पागलों की जगह खाती हूँ। होप सो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा होता है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।